आज तो सारी क्लास बदली हुई है, यकीन नहीं आ रहा कि मेरी क्लास है। आज हम प्राशा नंबर 13 की तरफ गामजन हैं और चंद एक प्राशा रह गए हैं, उसके बाद आपको इनके सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जो ये क्लास अटेंड करते रहे हैं। सो अनुवाद क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ एक अब्रानी में आपको एक जुमला नजर आ रहा होगा, हजाक हजाक नेक हजाक, जब बोलिएगा वेरी गुड, सारे अरबी लग रहे हैं। इसका मतलब है बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट अस बी स्ट्रेंथन्ड टुगेदर, ठीक है, मजबूत हो जाए। और ये पास कलाम मुकद्दस है तो मैं साथ निकालेगा क्रूज की किताब, उसका पहला बाब और 1-6 आया था। अंबर आप आए सामने, ठीक है, क्रूज की किताब चौथा बाब तीसरा बाब और 14-17 आया था, आप रुक करें जी। खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, सो मैं हूँ, सो तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इस हमारे पास भेजा है, अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इसराइली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर, लोगों से मुझे किसने भेजा है, तो खुदा ने क्या कहा कि मैं जो हूँ सो वो हूँ। सो यहाँ पर खुदा अपने आप को टेस्टिफाई करता है, अपने नाम को भी टेस्टिफाई करता है कि मैं जो हूँ सो वो हूँ। जो दूसरी अहम बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप दुआ करें तो बराए मेहरबानी जब आप खुदा को याद करें तो एक चीज़ को ज़रूर ऐड करें आज से अपनी दुआओं में, बल्कि दो चीज़ों को जो इसमें बेशक शामिल नहीं, नाम ज़रूर शामिल है लेकिन वो चीज़ शामिल नहीं, दो चीज़ें अपनी दुआ में आज से ज़रूर ऐड करें अगर आप अपनी दुआओं को और ज़्यादा चाहते हैं कि वो पूरा असर हों और खुदा की हजूरी तक पहुँचे। वो ये है कि जब खुदा को पुकारें तो खुदा को इस तरह से पुकारें, अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा। बहुत अब हम एशियंस को मैंने देखा बहुत कम ये थे। सो ये वो बात थी जिनको उन्होंने इस खुद इस बात को सराहा और कहा कि वाकई कि हम बेशक मुल्क अलग अलग हैं लेकिन हमारे बाप दादा जो है क्या हैं, एक हैं। सो ये मोहब्बत को ना सिर्फ शो करता था, ये ना सिर्फ यगानगत को हम आहंगी को शो करता था बल्कि ये अथॉरिटी है। खुदा मूसा को जो है वो बेचता है, इसराइल जो कि मिस्र की गुलामी में है, जो कि जुल्मो सितम की गुलामी में है, जो कि मुश्किलात में है, जो परेशानी में है, खुदा कहता है कि मैंने उनकी सारी आहोबका को सुन लिया, मैं उनको देख लिया है और जा मैं तुम्हें उनके पास क्या करता हूँ, भेजता हूँ। सो नए अहदनामे में यीशु मसीह शागिर्दों को जो है वो कमीशन देता है, जाओ कितने जाओ, कौमें नहीं खिलाते, कौमें जो हैं वो इंग्लिश में उसका अगर तर्जमा देखते हैं नेशंस हैं, और नेशंस क्या हैं, क्रिश्चियन नेशंस हैं, मुसलमान नेशंस हैं, सिख नेशंस कहलाते हैं, बुद्धिस्ट नेशंस कहलाते हैं, पारसी नेशंस कहलाते हैं, ये कम्युनिटीज जो है वो नेशंस कहलाती हैं।
और पाकिस्तान में मोर देन 10 नेशंस हैं। सो जब ग्रेट कमीशन की बात आती है, डोंट थिंक के अच्छा बाहर जावांगे तो मिशन पूरा होगा, नहीं, यहाँ आपके इलाके में नेशंस हैं जिन तक आपने पहुंचना है। सो नए अहदनामे में यीशु मसीह शागिर्दों को कमीशन था कि जाओ, और पुराने अहदनामे में खुदा मूसा को कमीशन दे रहा है जाओ। इसराइल के कितने कबीले कितने कमीशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है हुक्म बा अख्तियार। क्या मतलब है हुक्म बा अख्तियार? इसका मतलब ये है कि सिर्फ हुक्म नहीं है बल्कि कुछ अख्तियार भी है। मिसाल के तौर पर मैं किरण को कहता हूँ जाओ जरा चाय पत्ती लेके आओ, तो ये क्या है हुक्म है लेकिन अख्तियार नहीं है। वो उसको माफिया को अख्तियार दिया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी है। मैं इसको कहता हूँ कि जाओ माफिया चाय पानी का बंदोबस्त करो, अब इसको पता है कि ये हुक्म जो है वो अख्तियार के साथ अथॉरिटी के साथ, क्योंकि उसको ये अख्तियार जो है वो दिया गया है क्लास में से, और किसी को अख्तियार नहीं दिया गया। सो जो कमीशन का मतलब है खुरूज 7 बाब उसकी पहली आयत, जी आप आए खुरूज 7 बाब उसकी पहली आयत, खुदावंद ने मूसा से कहा देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदावंद है। क्या आपको कम जुंजी नजर आ रही है, खेत आपको नजर आ रहा है और कितने मजदूर हैं? 1, 2, 3 और अगर गौर से देखेंगे तो 4 हैं। 4 मजदूर खेत में जो है वो काम कर रहे हैं, फसल तो बहुत है लेकिन पावर की जरूरत है, और आप ये देख रहे हैं कि पावर्स इकट्ठी हो भी रही हैं। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये जो पावर्स इकट्ठी हो रही हैं पूरी दुनिया में, और अगर आप में से किसी ने सुना हो कि अमेरिका ने अपना डॉलर ख़त्म करने का जो है वो इरादा किया है, हम दलेरी के साथ बाद में खाऊंगा। ठीक है,